गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो, होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो रेटिंग लेके आ गया हूँ। तो अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है, तो कुछ इस प्रकार की स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं। सो गाइज अगर आप भी अपनी इमेजेस लगाकर कुछ इस टाइप की लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक वॉच करते रहना। तो गाइज सबसे पहले आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, देन ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको प्लस की आइकन पर क्लिक कर लेना है। 9x16 की साइज को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर ब्लैक सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। अभी प्लस में आकर मैं मीडिया में आऊँगा और सबसे पहले गाइस यहाँ पर सॉन्ग को ऐड करेंगे। तो मैंने पहले वीडियो में सॉन्ग ऐड कर रखा है, चलिए वीडियो को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और वीडियो को टैप करके इस 3 डॉट पे क्लिक कर लूँगा और एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करके ओनली साउंड को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी वीडियो को क्लिक करके मैं डिलीट कर लूँगा। अभी गाइस यहाँ पर आपको अपनी इमेज को ऐड करना है, तो यहाँ पर प्लस पे टैप करेंगे, मीडिया में आएंगे और उसके बाद में यहाँ पर मैं गैलरी में आ जाता हूँ, ठीक है। और गैलरी से गाइस यहाँ पर एक इमेज को मैं ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास इमेजेस नहीं है या कुछ इस तरीके की इमेजेस आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं पहले बता देता हूं, आपको एक प्रिंटरस नाम की ऐप मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पर जाके आप उस सर्च कर सकते हो। तो वहां पर आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। तो जैसे कि देखो ये वाला ऐप है, देख सकते हो, इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में सर्च बॉक्स में चले जाना और यहाँ पर आपने लिख लेना है एस्थेटिक कपल फ़ोटोज़, ठीक है। तो एस्थेटिक कपल फ़ोटो ऐसे करके आप सर्च कर लोगे, देख सकते हो कुछ इस तरीके से कपल्स पिक्चर्स ऐसे करके सर्च कर लोगे, देख सकते हो भर भर के आपको इमेजेस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी इमेजेस आपको अच्छा लगता है इजीली डाउनलोड कर सकते हो। लाइक मुझे ये इमेजेस अच्छा लग रहा है तो 3 डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड इमेज पर टैप कर लूँगा। अब इधर आओगे तो देखो इधर भी आपको भर भर के इमेजेस मिल जाएंगे। जो भी इमेजेस आपको पसंद है क्लिक करके आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो यहाँ से मैं इमेज को तो ऐड कर लिया हूँ, बस इसके ड्यूरेशन को पहले लास्ट तक करेंगे और इमेज को टैप करके मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक कर लूँगा और इमेज को फुल स्क्रीन करके ऐसे सेंटर में फिक्स कर लेंगे। अभी अपनी इमेज को टैप कर लेना, इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पर आएंगे और सबसे पहले हम सर्च करेंगे विगनेट। तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है विगनेट। तो देख सकते हो ये विगनेट, जैसे सर्च करो तो ये वाला ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना और यहाँ पर साइज को कम कर लेना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और इतना सब कुछ सेम ही रहने देना। फिर इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आ जाओ और इस बार हमने सर्च कर लेना है एक्सपोजर गामा, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन करेंगे। एक्सपोजर को भी कम करना है हमने थोड़ा सा 0.27 और गामा को गाइस यहाँ पर और कम करेंगे। तो यहाँ पर देखो करीब 700 के अप्रोक्स हमने इसको रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में इसकी ओपासिटी को करीब 87 कर लेंगे और फिर से इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आएंगे और इस बार हम सर्च कर लेंगे सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। तो इसको क्लिक कर लेना और स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन करके सैचुरेशन को पूरा 0 कर लेंगे। फिर इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आएंगे, इस बार सर्च कर लेंगे गोजन ब्लर। तो देख सकते हो गोजन ब्लर कुछ इस टाइप का ये इफेक्ट है, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन करेंगे और इसको जो स्ट्रेंथ है थोड़ा सा कम कर लेंगे गाइस इतना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैं यहाँ पे 65 कर दिया हूँ, ठीक है। अब आपको फिर प्लस में आके मीडिया में आ जाना है और उसी सेम फोटो को हम यहाँ पे दोबारा ऐड कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो जस्ट वेट, ये वाला फ़ोटो कहाँ चला गया भाई। तो ये फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस में आकर मैं मीडिया में आऊँगा और यहाँ पर अपनी गैलरी में आता हूँ और गैलरी से एक PNG आपको मिल जाएगा, तो ये वाला, तो इसको सिलेक्ट कर लेना। मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करके पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे और इन दोनों के ड्यूरेशन को हम पूरी लास्ट तक कर लेंगे, ठीक है। अब ऊपर में जो PNG इसको सिलेक्ट करना, नीचे मुझे इमेज इसको सिलेक्ट करके ये सेकंड वाली जो ऑप्शन है मास्क यानी ग्रुप वाला, इसको टैप कर लेना है। जैसे टैप करो देखो ग्रुप टाइप का क्रिएट हो जाएगा। अब इसको टैप करके एडिट ग्रुप में मैंने इसको क्लिक कर लेना अपनी इमेज को और मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करके इमेज को फुल स्क्रीन कर लेना ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे एक इफेक्ट और देंगे इमेज पे, तो इफेक्ट पे आके एड इफेक्ट पे आ जाओ और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है टाइल्स, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लो और मिरर को यहाँ पे ऑन कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अभी बैक होके इसको टैप कर लेना बॉर्डर एंड शैडो में आकर थर्ड ऑप्शन को क्लिक करके इसको ऑन करके इसको इनेबल करके इंक्रीज कर लो और इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आओ और इस बार हम सर्च कर लेंगे सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लो, सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, ठीक है।
अब उसके बाद में अपने लिरिक्स वगैरह को लिखेंगे गाइज, तो उसके लिए प्लस पे टैप करेंगे, टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ सबसे पहले क्लिक करके इमोजीज को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और कलर में आ जाएंगे और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके नीचे खींच लोगे तो ये कलर इसकी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इमोजीज दिखने लग जाएगा। अब रोबोट रेगुलर में जाएंगे, एक iOS 13 नाम की फॉन्ट मिलेगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको बताऊँगा भी आगे कैसे ऐड करते हैं इन फॉन्ट्स को, तो यहाँ पर इसको क्लिक कर लेंगे और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। अब आपको फिर प्लस में आकर टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना और यहाँ पर अपनी चैनल की नेम टाइप कर लेना है और यहाँ पर सिंपली मैं अपने चैनल के नेम को टाइप कर लेता हूँ। कलर में आकर वाइट कलर ऐड करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगता है सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास एक ये फॉन्ट है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको क्लिक करके गाइस पहले तो साइज़ को मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख लूँगा, ठीक है, ऐसे करके। अब इसकी दोनों के ड्यूरेशन को हम पूरी लास्ट तक कर लेंगे। अब गाइस अपनी मेन होती है लिरिक्स को क्रिएट करने की, तो जो भी सॉन्ग रहेगा उसकी लिरिक्स को आपको लिखना होगा, ठीक है। तो मैंने पहले से गूगल में जाकर सर्च कर रखा था, और नहीं तो आप सिंपली गूगल में जाकर सर्च कर लेना जो भी सॉन्ग रहेगा उसकी लिरिक्स को, तो बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएगा, तो वहां से कॉपी कर सकते हो। मेरे को याद है इसलिए यहां पर मैं लिख लेता हूं, टेक्स्ट पे आऊंगा और यहां पर पहला वर्ड था कदम, तो यहाँ पर कदम मैं टैप कर लेता हूँ। कलर में आकर वाइट कलर ऐड करेंगे, रोबोट रेगुलर पर क्लिक करके शेक्स नाम का फॉन्ट है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको बताता हूँ फॉन्ट को कैसे ऐड करना है। तो वी ऑल फॉन्ट्स पर क्लिक करके थ्री डॉट पे आके इंपोर्ट फॉन्ट्स पर क्लिक कर लेना, जहाँ भी जिस फोल्डर में जिस गैलरी में आपने रखा होगा उन फॉन्ट को डाउनलोड करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। फॉन्ट आपको यहीं पर शो हो जाएगा, नहीं तो उन फॉन्ट्स की नेम आप सर्च कर सकते हो। पहला था iOS तो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है यहाँ पर देख सकते हो शेक्स, तो यहाँ पर इसको हम सर्च करेंगे तो ये वाला इसको सिलेक्ट कर लेना। तो ऐसे करके अपनी लिरिक्स की जो फॉन्ट है इसको सिलेक्ट कर सकते हो और साइज को इंक्रीज करके एक बार बस यहाँ पर फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अब इसकी भी ड्यूरेशन को हम लास्ट तक रखेंगे। अब वीडियो को प्ले करना, जैसे प्ले करोगे तो इसकी जो थोड़ा सा पहले साइज थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, जैसे इसकी लिरिक्स की ड्यूरेशन यहाँ तक है तो इसको बीच में एक बीट मार्क लगा के कदम यानी कि कट लगा लेना। कदम ये रुके, यहाँ पर आप जो नेक्स्ट वर्ड है इसको टैप करेंगे, एडिट टेक्स्ट में आएंगे और इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो यार मैं लिख देता हूँ, देख सकते हो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। मैं भूल गया हूँ गाइस लिरिक्स, तो यहाँ पर आपको जो भी सॉन्ग रहेगा उसकी लिरिक्स लिखते जाना आगे भी, और बीच में कट लगा लेना, फिर लिख लेना, फिर आगे जाके बीच में कट लगा लेना, ऐसे करके आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो रुके, तो ये सेकेंड वाला वर्ड था रुके शायद, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह कदम ये रुके इस तरीके से आपको लिख लेना होगा अपनी टेक्स्ट को, ठीक है। जब टेक्स्ट लिख लोगे तो बैक होना, और आपको एक फुल प्रोजेक्ट मैंने दे रखा है, अगर आप नहीं भी बना पाओगे तो इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना, जिसमें मैंने सारा कुछ ऐड कर रखा है, ठीक है। बस यहाँ पर आपको ना ये वाली जो लिरिक्स उसको टैप कर लेना, इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, और जो भी हमारी लिरिक्स रहेगा उसको क्लिक करेंगे जैसे कि ये है, और इसको क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे, फिर क्लिक करेंगे इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे, फिर क्लिक करेंगे इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे। तो गाइज कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर इसको टैप करना लिरिक्स पे, इफेक्ट पे आओगे तो स्ट्रैप्स नाम का इफेक्ट मिलेगा। तो देखो जैसे कि येलो कलर है यानी ब्राउन कलर है, तो इसको आप जो कलर में कन्वर्ट करना चाहते हो यहाँ पर कलर को अपने अकॉर्डिंग मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने अब रेड कर दिया तो रेड हो सकता है, ठीक है। अब इतना करने के बाद में गाइस अपने जब इफेक्ट वगैरह लगा लोगे सब कुछ कर लोगे तो फिर प्लस में आकर मीडिया में आना, और आपको एक टैंपलेट का लिंक दे दिया हूँ ये वाला, इसको सिलेक्ट करके पहले तो ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में आके लाइटन में आके स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल कर लेना, वॉल्यूम को पूरा म्यूट कर लेना और इसको टैप करके ये देखो इमेज को ऊपर ले आकर छोड़ देना ऐसे करके। और इसकी ड्यूरेशन को गाइस यहाँ तक मैं कर लेता हूँ जहाँ तक एंड है, तो यहाँ तक कर लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे, ठीक है। फाइनली गाइस वीडियो हमारी क्रिएट हो चुकी है, तो देख सकते हो। अब इस वीडियो को शेयर पर टैप कर लीजिए, एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लीजिएगा। ऑल मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।